देखिए, हेमंत सरकार में तुष्टिकरण का नंगा नाच जारी है। अभी कुछ महीने पहले ही खबरें आई थी कि राज्य के बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाके थे, वहां विद्यालयों में शुक्रवार को छुट्टी कर दी जाती थी, जबकि सरकारी कैलेंडर में यह रविवार को थी। और इसके अतिरिक्त जो सामान्य स्कूल थे, सरकारी स्कूल, उनके आगे जबरन कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में उर्दू शब्द जोड़ दिया गया और बच्चों की पूजा करने की पद्धति में भी बदलाव किया गया था। तब शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि हम एक हफ्ते के भीतर सब कुछ दुरुस्त कर लेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब फिर से पलामू से खबरें आ रही हैं, जो झारखंड में है, वहां अनेक स्कूल में फिर से जो पूजा की पद्धति है, जो गाइड बुक है, इसमें हाथ जोड़कर पूजा करने की पद्धति को मुस्लिम बहुल इलाकों में बदल दिया गया है और बहुत जगह बच्चों को हाथ फोल्ड करके क्रॉस के शेप में भी पूजा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उनको आदेश दिया जा रहा है। और प्रधानाध्यापक कहते हैं कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते, जबकि शिक्षा पदाधिकारी का स्पष्ट मानना है कि इस तरह की पूजा पद्धति करना गलत है। तो हम अभी भी मानते हैं कि झारखंड सरकार में तुष्टिकरण का खेल लगातार जारी है और ये जो कुछ मुस्लिम बहुल इलाके के जो कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं, वो जबरन इस तरह की पूजा पद्धति थोप रहे हैं जो सरकारी नियमों के विपरीत है। और सरकार जो तुष्टिकरण में लिप्त है, वो आंखें मूंद कर बैठी है, उसके आदेश के बावजूद भी ये लगातार कार्य ऐसा हो रहा है। शिक्षा सचिव ने कहा था कि हम सरकारी काम में बाधा का FIR करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा एक भी FIR पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है। लेकिन स्कूलों में बच्चों के मस्तिष्क में यह तुष्टिकरण का जहर झारखंड सरकार के द्वारा रोपा जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।